इस वीडियो में बात करेंगे सात एग्जाम्स के बारे में जो आपको एक्चुअली इंडिया के टॉप कॉलेजेस में एम करने के अभी भी चांस दे सकती है एग्जाम अच्छा नहीं गया होगा या फिर वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आया होगा वेरी वेल मीन स्नैप एंड एंड स्नप में उनको एस आई डी डी एम कांग कॉल्स फ्रॉम ट बट फिर भी एक चांस आपके पास है जहाँ पे आप आज भी एक टॉप कॉलेज को चेज कर सकते हो सबसे पहली बात हम करेंगे सीमेंट के बारे में क्यूज सीमेंट बिकॉज सीमेंट का रजिस्ट्रेशन अभी तक ऑन है राइट दस नंबर हम सीमेंट के बारे में देखेंगे तो इसका पैटर्न इस बार चेंज हो चुका है हंड्रेड क्वेश्चन है पर इनोवेशन एंड ऑन्ट्रप्रनरशिपिपिप इन लोगों ने एक्चुअली इसको एडिशन यहाँ पे डाला है गाइज डोट फ्रिकआउ विद इनोवेशन एंट्रपोनरशिप में देता हूँ बहुत सारे बच्चे टेंशन में अरे सर एक आदा प्रोग्राम लॉन्च कर दो इनोवेशन एंड आंट्रप्रोनरशिप का नहीं समझ में आ रहा है गाइज ये चीज एक्चुअली बहुत ईजी है ये डुएबल है अगर आप सी टू में हो आपके एक लॉजिकल वे भी में हम पढ़ाने वाले हैं कि इनोवेशन एंड आंट्रप्रनरशिप को आप कैसे हैंडल कर सकते हो प्लस मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें बताऊंगा जिससे बिकॉज विच यू यू एक्चुअली गेट हेल्प कि नो व्हाट ये बीस क्वेश्चन को मुझे डील कैसे करना है ना कि हर एक क्वेश्चन मुझे करना है पर एटलीस्ट मैं बीस क्वेश्चन को डील कैसे कर सकता हूँ उतना तो पता चल जाएगा ना आगे बढ़ेंगे जीके अगर यार आपने जैक दिया है एफ्ट दिया है टिस्ट दिया है राइट तो आपका जीके मैनेजेबल हो सकता है दूसरी बात इसका जो रिडक्शन है वो हुआ है माइनस फाइव क्वेश्चन मतलब पहले पच्चीस था अब ये बीस हो चुका है तो ये आप डुएबल है आपके लिए कर सकते हो थोड़ा आपको जीके के लिए देखना पड़ेगा इफ आर ऑलरेडी एनरोल्ड विद मेंटर्स इन सीडोसी प्रोग्राम जितने भी पीडीएफ हमने दी है आपको आप उतनी भी करोगे तो भी काफी है बच्चों का बहुत अच्छा फीडबैक आया जब अभी टिस्ट का जो एग्जाम हुआ था उसमें पेपर बहुत टफ था नो डाउट अबाउट इट जीके वाला सेक्शन बहुत टफ था बट बच्चों ने कहा कि सर पीडीएफ करने की वजह से एटलीस्ट तीन चार क्वेश्चन हमारे थोड़े ज्यादा निकल गए

आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं राइट तो आपको ये चीजें जाननी जरूरी है कि यार मेरे पास अभी ऑप्शन क्या है एक बार देख लेना आई एम ए दिल्ली आई थिंक आई एम ए दिल्ली इज एक्सेप्टिंग सीमेंट तो आपको ये देखना है कि यार मेरे पास ऑप्शन क्या है ठीक है मेरे को आज जीडीपी का कॉल आया है मेरा पी बहुत अच्छा गया है आई एम एक्साइटेड अबाउट इट बट क्या जेन्यूनली उधर जाके मुझे फायदा हो सकता है या फिर मैं और एक एग्जाम और वहाँ पर मैं थोड़ा सा और बेटर परफॉर्म करके मैं ये सब कॉलेज क्रैक करने की कोशिश करूँ। यू कैट बट बिकॉज इवन वेलिकर इज डूइंग रियली गुड दिसंिकर इज ऑल्सो ग्रेट ऑप्शन दट यू कैन कीप इन माइंड दालमिया इज ग्रेट यार मैं बच्चों को कहता हूं कि तेरे को अगर एस आई बी मिलता है तो एसआई भी छोड़ के फाइनेंस के लिए तो दालमिया जा सकता है दर इज नो डाउट अबाउट इट अगर तो एनआईएमएस इंदौर हैदराबाद वगैरह जाता है इफ यू रीली वॉन्ट टू लर्न समथिंग रियली गुड इन फाइनेंस एंड समथिंग यू नो विच इज नोन फॉर फाइनेंस इन यू कैन गो फॉर दालमिया

या फिर तू उठ और सीधा प्रिपरेशन के लिए चालू कर जो हो गया जो हो गया आप ये मत सोचो कि यार आपने आप इनो आप फेल हो गए एग्जाम में आप ये मत सोचो आप ये समझो कि आप एक्सपीरियंस्ड हो आपको पता है कि गलतियां कहाँ पे होती है यार आपने कैट दिया आपने जैड दिया आई दिया सी मैट स्नैप दिया एन मैट दिया आपने पांच एप्टीट्यूड एग्जाम्स दिए पाँच एप्टीट्यूड एग्जाम देने के बाद आप एक्सपीरियंस्ड हो अभी आपको पता है कहाँ पर चीजें गलत जा सकती है आपको किस लेवल में प्रिपेयर करना है जहां तक सीमेंट का सवाल है मुझे लगता है यार इसकी जो डेट है वो अप्रैल टेन हो सकती है इसके एग्जाम की डेट आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है गाइज प्लीज टेक दिस एग्जामिनेशन रियली रियली केयरफुल एंड टेक दिस वेरी सीरियसली ठीक है बी केयरफुल बी सीरियस अबाउट दिस एग्जाम ये आपका फायदा करा रहा था कि आई टेल यू मेरा एक स्टूडेंट था भार्गव भार्गव का नाइनटी सिक्स परसेंट था कैट में ठीक है बट सीमेंट दिया बंदे ने टिस्ट में एटी फोर था सीमेंट दिया ही वॉज नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन नाइन ही वॉज ऑल इंडिया रैंक थ्री

नाइन्टी uh, सेवन तो यार ऐसे बच्चे हैं जो एक्चुअली कैट में अच्छा नहीं कर पाते हैं बट सीमेंट में उनका जे भी निकल जाता है सो यू कैन ट्राई फॉर दिस आगे चलेंगे ये इसकी पूरी डिटेल है है पे पे वीडियो पॉज करके देख लेना दूसरी एग्जाम मैट मैट सो so, एंड वगैरह को मैं ना सेम लेवल एक्चुअली ट्रीट करता हूं। एक बार इनका देख लेना यार ये मैट और एटमा का सबसे बेस्ट फंडा यह है कि ये बहुत बार होती है ये बहुत बार होती है अगर आप देखोगे इनकी डेट्स अगर आप यहां पे देखोगे आपको पता चलेगा ये एक्चुअली एग्जाम्स ना बहुत बार होते हैं तो आप इस एग्जाम को अपियर कर सकते हो अब मैट और एटमा करने से आपका क्या फायदा है देखो यार सिंपल सी बात है पहली बात यह है कि यार जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी होता है वो बहुत ईजी होता है मतलब मैं तो बच्चों को कहता हूं कि भाई अगर तेरे को नाइनटी नंबर देखना है ना अपनी लाइफ में और तेरे को तेरा खुद का ईगो सेटिसफाई करना है कि यार मैं नाइनटी ला सकता हूं यू नो वट यू शुड गो फॉर एटमान यू शुड गो फॉर मैट मैंने ऐसे बच्चे देखा है जो कैट में सत्तर परसेंट डहलाते हैं स्नैप में नब्बे परसेंट डहलाते हैं यार ये बच्चे मैट और एटमा में नाइनटी नाइन परसेंट डहलाते हैं गेटिंग माई पॉइंट दूसरी बात अगर आपको जे चलना है एग्जाम डिफिकल्ट नहीं है एग्जाम ईजी है आप मैट में नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन नाइन लेकर आ सकते हो मैट एटमा में नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन नाइन लेकर आ सकते हो आप जे जा सकते हो देर इज नो डाउट अबाउट इट ओके तो आप भी एग्जाम डेफिनेटली दे सकते हो दूसरी बात बहुत सारे ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है इंडिया में प्राइवेट मतलब जिनके पास पीजीडीएम वगैरह है जो एमबीए वगैरह ऑफर करते हैं वो सब लोग मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस मैट एटमा लेते हैं अगर मैं बात करूँ तुम्हारे वेलिंगकर के बारे में वेलिंगकर मैट एटमा लेता है यार अगर मैट में अगर एटमा में आपको नाइन्टी परसेंट डाता है आप वेलिंगकर का कोर जो है जो मेन प्रोग्राम है बॉम्बे का यार आप वो वो प्रोग्राम आराम से फोड़ सकते हो उसमें कोई सवाल ही पैदा नहीं होता एंड एटमा में नाइन्टी परसेंट मतलब इट्स अ केक वॉक एनी कैन डू दिस कुछ अलग लेवल पर प्रेपरेशन का जरूरत है कुछ नहीं भाई करा है, बस तुझे उसी चीज़ों पे चलना है तुझे और कुछ ज्यादा चीजें हाँ यहां है जीके भी इतना टफ नहीं आता है, कुछ कुछ एग्जाम्स में आपने जीके भी पहले करा होगा तो आपको जीके भी हेल्प करेगा तो इसमें कुछ अडिशन मैंने देखा नहीं है बस इसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है चीजें रिवाइज करनी है थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी है जो हो गया सो हो गया स्कोर नहीं आया नहीं आया उसमें आप हार मान के बैठोगे तो शायद से आप ये अपॉर्चुनिटी भी गवाद दोगे बहुत सारे मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो एत्मा में नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन नाइन लेके आए हैं और जे भी चले हैं बहुत सारे मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो एटमा में 99 प्लस प्लस मैट में 99 प्लस प्लस लेके आए हैं और उन्होंने वेलिंग कर क्रैक करा है राइट तो ये भी चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है कि हाँ यार मेरे पास अभी भी मैट और एटमा का एक चांस है कुछ लोग कहेंगे कि नहीं यार मैट और एटमा यार यू नो ये नहीं करते हैं बहुत ईजी है ब्ला ब्ला बुला यार तू छोड़ना तुझे उसका क्यों लोड है अगर इजी एग्जाम है तो तेरे लिए वो बहुत बेटर है राइट right. तुझे क्या चाहिए तो नाइनटीन प्लस प्लस लेके आ जो कॉलेजेस ये एग्जाम्स लेते हैं उन सब कॉलेजेस के लिए तो एलिजिबल है देखो यार सिंपल सी बात है सीमेंट और एटमा की अगर मैं बात करूं चलो हम एक कॉलेज का जिक्र करते हैं वेलिंगर कर के बारे में बात करते हैं वेलिंगर कर का, का कटअप इज राउंड फाइव परसेंट है किसका सीमेंट का समझा अब 85 फाइव अगर आप यहां पे लाते हो सीमेंट में अगर आप 85 फाइव परसेंटेज सीमेंट में ला सकते हो भाई मेरे तो 95 फाइव परसेंट आराम से ला सकता है एटमा में या फिर मैट में तो जब तू वेलिंग के लिए बैठेगा तो डेफिनेटली एटमा का 95 फाइव परसेंट दिखाएगा और अगर तू तो एटमा का 95 एल दिखाता है ओवर एंड अबो सीमेंट का एटी फाइव परसेंटेज तो तुझे यहां पे एडवांटेज है तो ये तेरा बिस्कुल क्रैक हो सकता है इज वेलिकर ग्रेट ब्रांड रिगार्डिंग में पढ़ देर आर अनदर इंस्टीट्यूट जैसे एक हमारा बॉम्बे में है विवेकानंद करके हमारे कॉलेज है विवेकानंद में एटमा भी एक्सेप्ट करी जाती है और यार ये कॉलेज की जो फीस है वो है आठ लाख इसकी जो हाईएस्ट इंटरनेशनल पैकेज लगी है वो है राउंड अबाउट नाइनटीन पॉइंट टू फाइव लैक्स इसके जो टॉप ट्वेंटी फाइव बच्चे हैं उनकी जो एवरेज पैकेज है वो है बारह लाख यार तेरा आर ओ यहाँ पे बहुत अच्छा है यूकेटिक्स में पॉइंट तो आप यहाँ पे अच्छी इंस्टीट्यूट में जा सकते हो आप एक अपना एम कर सकते हो अगर आपको इस साल ही एम करना है तो आगे चलेंगे कुछ और एग्जाम्स के बारे में बात करेंगे एस आर सी सी थोड़ा सा अंडर रेटेड है मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों को एसआरसी जो ब्रांड है इसके ब्रांड वैल्यू के बारे में यार थोड़ी सी ना बच्चों को जानकारी नहीं होती इसलिए पंगे होते हैं एस आर आप कर सकते हो एग्जाम का जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है वो ईजी टू तो मॉडरेट होता है मोस्टली इजी लेवल पर ही होता है अगर आप इसको पढ़ाई करते हो प्रिपेयर करते हो देन यू गैस कैन एक्चुअली डू वेरी वेल इसकी यार अभी अवेलेबिलिटी नहीं है फॉर्म्स वगैरह इसके बंद हो चुके हैं मेरे ख्याल से फिर भी एक बार देख लेना एग्जाम ईजी है इसमें जीके वगैरह कुछ नहीं होता स्पीड बेस्ट एग्जाम है लेवल ऑफ डिफिकल्टी इजी टू मॉडरेट मेहनत कर सकते हो तो आप एस आर सी सी जीबी जा सकते हो एस आर सी सी इज वेरी वेरी वेल नोन फॉर ग्रेजुएशन बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम अगर आप देखोगे आठ आठ से नौ नहीं यार कम से कम बारह साल पुराना इनका इंडिया का प्रोग्राम है सत्तर सीट्स सी यहाँ पे है ओवर पीरियड ऑफ टाइम इन लोगों ने बहुत अच्छा काम करा है इनकी एवरेज पैकेज की ग्रोथ अच्छी है हाइस्ट पैकेज की ग्रोथ अच्छी है प्लस एस आर सी सी इज एन इंटरनेशनल ब्रांड आपको ये बहुत अच्छा खासा एक प्लेटफॉर्म दे सकता है जो भी टॉप नॉट इंस्टीट्यूट है जैसे इंस्टीट्यूट नहीं बोल सकते हैं, जो भी कंपनीज है जैसे तुम्हारा एच हो गया पी एन जी हो गया लेट्स टॉक अबाउट सैक्स लेट्स टॉक अबाउट टाटा लेट्स टॉक अबाउट रिलायंस ये ये सब जो जो भी कंपनीज है यहां पे एस आर सी सी एज अ ब्रांड की एक पहचान है इसकी एक अलग से स्टैंडिंग है तो गाइज अगर आप करना चाहते हो एसआरसी जीबीओ अगर आपने फॉर्म वगैरह फिल करा है मैं तो कहूँगा बिंदास करो मेहनत करो मोटिवेटेड रह के मेहनत करो बिकॉज इट इज अ ग्रेट ग्रेट इंस्टीट्यूशन इट कैन गिव यू लॉन्ग टर्म बेनिफिट बहुत ज्यादा है हाँ इनिशियली शायद से आपको इतना फायदा ना हो लॉन्ग टर्म में के अगर आप तो गैस आपको बहुत ज्यादा एक दूसरे एग्जाम के बारे में अगर हमें बात करूं, so exam, आप कर सकते हो ये आई एम कैलकटा आई आई टी खड़गपुर एंड आई एस आई ये तीन इंस्टीट्यूट का मिल के प्रोग्राम हुआ है ये प्रोग्राम सबसे तगड़ा प्रोग्राम है अगर आपको एनालिटिक्स में चलना है अगर आपको बिजनेस एनालिटिक्स में चलना है अगर आपको बिजनेस इंटेलिजेंस में चलना है अगर आपको आई टी कंसल्टिंग में चलना है अगर आपको ए आई लेवल पे चलना है ब्लॉक चेन वगैरह में चलना है गाइज दिस इज वन ऑफ द फैबलेस प्रोग्राम इसकी थोड़ी सी रजिस्ट्रेशन देख लेना मेरे ख्याल से क्लोज हो चुकी है बट अगर अपने भरा है यह फॉर्म कि चलो ठीक है ना बट एक चांस ले लेते हैं भर देते हैं देखते हैं क्या होता है गाइज मे द राइट डिसीजन इसके एवरेज पैकेज इज ट्वेंटी फाइव लैक्स एंड इसकी हाइस्ट प्लेसमेंट इज राउंड अबाउट फोर्टी वन पॉइंट फिफ्टी लैक्स ये वो प्रोग्राम है जो एक्चुअली पोटेंशियल है इसका कि ये आगे जाके इंडिया के टॉप टेन में आ सकता है अगर मैं एवरेज पैकेज के बारे में बात करूँ तो ये प्रोग्राम इंडिया में ऑलरेडी टॉप

ट्रस्ट योर लाइफ इज गुड सो ये एक एग्जाम है जो आपको एक टॉप टेन में भी एडमिशन दिला सकती है तो इसको एक ध्यान रखना दूसरी अगर मैं एग्जाम के बारे में बात करूँ जिसका अभी तक तो कुछ भी पता नहीं है मतलब कब होगा क्या होगा बट बहुत अच्छी एग्जाम है सी ई टी महाराष्ट्र इज़ समथिंग यू कैन गो फॉर अंडर महाराष्ट्र देखो यार अगर आपकी एम्बिशन जमला और बजाज वगैरह नहीं है आप सिडनम चल सकते हो राइट आपके पास प्रेपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है आप बालाजी इंस्टीट्यूट चल सकते हो आप एम आई टी एम ई टी मुंबई चल सकते हो एम आई टी पुणे चल सकते हो आप दालमिया जा सकते हो आप प्रॉबली सीटी सी टी के थ्रू वेलिंग कर एम कर सकते हो आप ठाकुर जा सकते हो रिजवी कर सकते हो विवेकानंद कर सकते हो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट से जो आपको मिल सकते हैं सी आई डोंट नो आपकी एम्बिशंस क्या है बट मैं पूरी मतलब जितने भी इंडिया के बच्चे हैं सबको यार यू नो कंसिडर करके ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अगर आपको एम करना है अगर आप कोई रीजनल कॉलेज देखते हो मे बी नॉर्थ में हो साउथ में हो यू नो ईस्ट वगैरह में हो कोई कॉलेज हो जो रीजनल कॉलेज है मेरे ख्याल से यार अगर वो कॉलेज जाना है तो आप ये एग्जाम देखिए आप एक ऐसे कॉलेज पे जा सकते हो जिसकी जो प्रेजेंस है वो पैन इंडिया लेवल पे है जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा बॉम्बे के जो कॉलेज है वो आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर दे सकते हैं बिकॉज ऑफ लोकेशन बिकॉज ऑफ इट्स द फाइनेशियल कैपिटल ऑफ द कंट्री इवन पुणे के कॉलेजेस कैन गिव यू अ ग्रेट ग्रेट

बिकॉज सीई टी वगैरह लेट होता है तो एम एसी फाइनेंस भी लेट हुआ था बट इस साल में होप करता हूं कि ये सब प्रोग्राम्स इनके सब एग्जाम्स टाइम पर चलेगा एमएससी फाइनेंस इज अ वेरी वेरी चैलेंजिंग प्रोग्राम चैलेंजिंग मतलब इट हैज अ पोटेंशियल टू चैलेंज रियल गुड इंस्टीट्यूट्स इन द कंट्री एज फार एज तुम्हारा फाइनेंस इज कंसर्न तो अगर मैं बात करूँ के जी सोमै सिडम के बारे में, में के बारे में यार इनके अगर आपको फाइनेंस करना है इससे बेटर आप एम कर लो जेबी का बिकॉज गाइज एक चीज आप मानो एट दफ दोनोपल वो बिग रिक्रूटर लुकिंग एट एज ये बताओ तुम कौन से कॉलेज से पास आउट हो बात खत्म राइट तो अगर आपके रेजिमे पर जेबी आई एम एस आता है guys, really, really cool का एक अलग सा प्रोग्राम आता है जो होता है एचआरडी का ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का यह भी बहुत अच्छा खासा अगर 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 आप 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 के 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 लिए 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 हो 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 तो तो जा सकते सकते की भी दे सकते But ये बड़ी नीश है है जो करना करना चाहते हैं तो मैं इसको आपको 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 कर सकता मैंने so मैंने इस वीडियो में सात से आठ एग्जाम के बारे में बताया है जो आपको एक अच्छा एक्सपोजर दे सकती है इसमें आपका सीमेंट है इसमें आपका पीजीडी बी ए है महाराष्ट्र सीई टी है जेबीएमएस एमएससी फाइनेंस है एक्स जे बी एम एस एच आर डी है आप आज भी देखो आज हम फेब्रुवरी महीने में है ऑलमोस्ट ये एंड होने को आया है आज भी आपके पास सीमेंट सीई टी एमएससी फाइनेंस ये ये एग्जाम्स आपके हाथ में है और ये आपको जे बी एम एस के लिए एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म दे सकती है अगर आपने बाकी एग्जाम्स के फॉर्म्स भरे हैं आप फिर भी एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जा सकते हो और अगर आपने सीमेंट का फॉर्म नहीं भरा है अगर आप सीमेंट करते हो गाइस तुम्हारे पास अभी भी चांस है कि आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जा सकते हो दो हज़ार

आप uh, जो मैंने यहाँ पे मिस करी है आप अगर आपको लगता है कि सर अपनी एग्जाम मिस करी प्लीज़ उसको कमेंट कर देना और उसका एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा और ये वीडियो कैसे लगा लाइक करके मुझे बता देना यार और कमेंट करके मुझे बता देना जब आप कमेंट और लाइक करते हो आई रियली गेट मोटिवेटेड एंड आई फील दैट अप्रिसिएशन यू नो जो बच्चे हैं जो मेरी यूट्यूब कम्युनिटी जो मुझे फॉलो करती है यार वो मुझे अप्रिशिएट करते हैं दैट हेल्प्स मी टू कैट इवनो मेक मोर वीडियोज फॉर यू गाइज सो गाइज दट इट फ्रॉम माई साइड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो काइंडली सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज केयर ब बाय गाइस बाय बाय